आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ हैदराबादी चिकन बिरयानी। तो चलिए हम यहाँ पे चिकन बिरयानी बनाते हैं। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो मैं आपको बताते जाऊंगी और सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते जाऊंगी। तो सबसे पहले हम 600 ग्राम चिकन लेंगे। मैं 4 पीस यहाँ पे ओनियन को स्लाइस में काट कर इसको ब्राउन कर ली हूँ। इसमें से हम हाफ ऐड करेंगे मैरिनेट करने के वक्त और हाफ हम तह लगाएंगे बिरयानी में उस वक्त ऐड करेंगे। कर्ड 200 ग्राम ली हूँ, इसमें कर्ड थोड़ा ज्यादा ऐड होता है। रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, बिरयानी मसाला पाउडर 2 टीस्पून, साल्ट स्वाद के हिसाब से, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ये होममेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगी। टर्मरिक 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 टेबलस्पून, ग्रीन चिली 4 पीस है, इसे मैं बारीक कट कर ली हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं। कोरिएंडर और मिंट लीव्स है, रिफाइंड ऑयल जिसमें मैं ऑनियन को फ्राई की थी वही ऑयल है, आप देख सकते हैं। इसे स्पून से हम 4-5 स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन 1 पीस है। अब हम सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें कर्ड और लेमन डालना जरूरी है। कर्ड और लेमन से ही हमारा चिकन अच्छी तरह टेंडर होगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर करके 1 आवर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। सेकेंड स्टेप में हम चावल तैयार करेंगे। चावल तैयार करते वक्त मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताते जाऊंगी, इस तरह समय हमारा बचेगा और आपका भी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम वाटर लेंगे। आपका जितना चावल हो उससे ज्यादा हम वाटर इसमें ऐड करेंगे। इस गिलास से हमारा 2 गिलास चावल है, यानी कि 1/2 kg, तो मैं इस गिलास से ही 8 गिलास वाटर इसमें ऐड करूंगी। मैं पहले से यहाँ पे वाटर ऐड कर चुकी हूँ। इसके फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्टार फ्लावर, 2 से 3 तेजपत्ता का टुकड़ा, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग, 2 से 3 जावित्री का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/4 टीस्पून सहजीरा, साल्ट, रिफाइंड ऑयल हम यहाँ पे 2 टीस्पून ही ऐड करेंगे, बाद में हम इसमें घी भी ऐड करेंगे, 2 पीस ग्रीन चिली, कोरिएंडर और मिंट लीव्स कटा हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, मुगलाई एसेंस 2 ड्रॉप, और इसे कवर कर देंगे। कवर करके इसे बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। वाटर में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे चावल, जो कि मैं 1/2 आवर पहले इसे वॉश करके और इसका पानी ड्रेन करके रख दी थी। अब ये अच्छी तरह तैयार है। ऐड कर देंगे चावल जो कि 500 ग्राम है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले। फिर से हम इसको कवर कर देंगे। जब 1/2 पक जाए उसके बाद हम इसके पानी को ड्रेन कर देंगे। तो हम इसे 1/2 पकने तक वेट करते हैं और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। जब तक चावल बन रहा है तब तक हम 3rd स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। 3rd स्टेप में हम लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो ब्राउन ऑनियन बचा हुआ था वो ली हूँ, मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स कटा हुआ ली हूँ, 1 मीडियम साइज टोमेटो बारीक कट कर ली हूँ, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून नारियल को मैं कद्दूकस करके रख ली हूँ, आप इसके जगह नारियल बुरादा भी ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा बिरयानी में टेस्ट आता है, आप इसे जरूर ऐड करें। हम यहाँ पे गरम मसाला और नारियल जो कद्दूकस
नट्स की हूँ उसे एक में मिक्स कर दूंगी और सबको हम वन साइड में रख लेते हैं। आप देख सकते हैं चावल हाफ टेंडर हो चुका है। आप चेक करेंगे तो दो तीन भागों में चावल टूटेगा। अब इसे हम छान लेंगे। अच्छी तरह पानी ड्रेन कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसे मैं एक साइड में रख दूंगी। चावल निकालने के बाद हम सेम पैन का यूज करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। आपको कुछ नहीं करना है, बस मैरिनेट किया हुआ जो चिकन हम रखेंगे उसे मिक्स करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे चिकन, इसे अच्छी तरह हम फैला लेंगे। अब हम इसका लेयर लगाएंगे। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। ऐड करेंगे ब्राउन किया हुआ ऑनियन, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम चावल के ऊपर ऐड करेंगे। मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स, टोमेटो, नारियल और गरम मसाला पाउडर। इसके बाद हम इस पे ऐड कर देंगे चावल। ध्यान रहे चावल आप जल्दी ही इस पे ऐड कर दे गर्मा गर्म। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन ऑनियन। ऐड करेंगे देसी घी 2 टेबल स्पून। आप इसके जगह पे बटर भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 केसर के धागा गरम मिल्क में ऐड करके रख दी थी और 2 पिंच जफरान कलर, इसे भी ऐड कर दूंगी इसमें। इसके बाद हम इसे दम देंगे। दम देने के लिए हम यहाँ पे नॉर्मल आटा लिए हैं और कुछ इस तरह से लगा देंगे इस पे और इसके कवर को अच्छी तरह कवर कर देंगे थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट तक रखेंगे। उसके बाद 15 मिनट हम लो फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद हमारा हैदराबादी दम बिरयानी बनके रेडी हो जाएगा। तो मैं 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। टोटल 20 मिनट हो चुका है, 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे और 15 मिनट लो फ्लेम पे। अब इसके फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। 2 मिनट रुक के हम इसके कवर को खोलेंगे तो 2 मिनट बाद मैं आपको खोलकर चेक करके बताती हूँ। 2 मिनट हो गया है इसके फ्लेम को ऑफ किए हुए। अब मैं इसके कवर को खोलकर आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा बिरयानी बनके रेडी हुआ है। डिस आउट करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा हैदराबादी चिकन बिरयानी बनके रेडी हो चुका है। बहुत लोग इसे हैदराबादी दम बिरयानी भी बोलते हैं। आप इसे जरूर ट्राई करें, ये बनने में बहुत ही इजी होता है। आप इसे बूंदी की रायता या फिर खीरे का रायता, कोई भी रायता हो या फिर सैलेड हो, आप उसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई रेसिपी लेकर आती रहूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।